ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जुलाई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, तो 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की। ऐसे में डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी के रूप में असीमित शक्तियों वाला राष्ट्र युवा सपनों को नई उड़ान दे रहा है। 3 वर्ष पूर्व 29 जुलाई को राष्ट्र के समक्ष आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए ज्ञान का ग्लोबल हब बनाने की पहल हो या मिशन के रूप में कौशल से युवाओं को लैस करना, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न की पहल को संस्कृति बनाना या तकनीक डिजिटल से युवाओं को जोड़ना, सेना और अन्य जगहों पर युवाओं के लिए नए अवसर देना या खेलों को करियर से जोड़ सामाजिक सोच को बदलना, राष्ट्रीय युवा नीति के जरिए अमृत काल की ओर बढ़ना हो या रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की क्रांतिकारी पहल को मूर्त रूप देना, अमृत पीढ़ी के रूप में संदर्भित युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति बन गई है, जो आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगी। और यही युवा शक्ति हमारे इस अंक की आवरण कथा बनी है। श्रोताओं, दरअसल किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है वो ऊर्जा है युवा। उम्र के इस पड़ाव पर एक जोश और जुनून होता है, बहुत सारे सपने होते हैं और जब सपने संकल्प बन जाएं और संकल्प के लिए जीवन जुट जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत के युवा। सही अर्थों में युवा शक्ति भारत की विकास यात्रा की प्रेरक शक्ति है। ऐसे में एक राष्ट्र जो समावेशी प्रगति का लक्ष्य रखता है अपनी युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में निवेश न करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भारत विश्व की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। इतनी बड़ी युवा शक्ति वाला राष्ट्र छोटे सपने नहीं देख सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप युवाओं को बड़ा सोचने का अवसर मिल रहा है, ताकि वे बड़े सपने देख सकें और उनकी पूर्ति कर सकें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी युवा कल्याण नीतियों और दूरदर्शिता के जरिए उनकी क्षमता को पहचान रही है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अवसर मुहैया करा रही है। आइए जानते हैं कि किस तरह केंद्र सरकार की नीति, नियत और नए अवसरों से युवा बन रहे हैं राष्ट्र की प्रगति के सारथी, ताकि संकल्प से सिद्धि वाली यात्रा विकसित और सशक्त भारत का सपना साकार करे। अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अमृत काल में देश के अमृत संकल्पों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था और युवा पीढ़ी पर है। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमृतत्व और अमृत तक लेकर जाती है। ज्ञान और विद्या को ही मुक्ति का मार्ग भी माना गया है। इसलिए सरकार 29 जुलाई 2020 को 3 दशक बाद भविष्योन्मुख नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। विकसित भारत की आधार अमृत पीढ़ी के संकल्पों को सिद्धि के मार्ग पर तेजी से बढ़ाने वाली शिक्षा प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, इसकी मजबूत नींव चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में भी रखी गई। देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल सरकारी नौकरी ही माना जाने लगा था। शिक्षा में ये विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए किया था। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन बहुत सारा रह गया था। वर्तमान सरकार ने इसको बदलने का प्रयास किया है। शिक्षा और कौशल को युवाओं की रुचि और भविष्य की मांग के हिसाब से पुनः व्यवस्थित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के लिए उभरती परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। देश 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नीति से जुड़े 25 से अधिक सेमिनार में शामिल हुए हैं, इस पर बोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षाविदों के साथ जो संवाद किया, उसने भी इसकी गति को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी देश भर के शिक्षा मंत्रियों से संवाद किया है। इस पर लगातार कोशिश हो रही है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए विषयों को 100% साकार कैसे किया जाए। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम शुरू हुआ है। देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। विश्वविद्यालयों का स्तर समान हो इसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लागू किया गया है। कई अन्य सुधार भी किए गए हैं जिसका परिणाम है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब मातृभाषा में पढ़ाई के रास्ते खुल रहे हैं। संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान स्पष्ट किया है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता हुआ है जिसमें तमिल भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये शुरुआत निश्चित ही भारतीय भाषाओं और भारतीय संकल्पों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के नाम से एक पहल की है जिसका उद्देश्य संपर्क बढ़ाने और युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 11 उच्च शिक्षा संस्थान और 14 शिक्षा संस्थान अन्य राज्यों के जोड़े गए हैं। युवा संगम के पहले राउंड में 1200 युवा 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। युवाओं को शामिल कर 10,000 से अधिक कार्यक्रम 10 मंत्रालयों ने किए हैं। काशी संगम और सौराष्ट्र संगम जैसी पहल भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत की गई है। इसके अलावा भारत स्टार्टअप का सुपर पावर बनकर उभर रहा है। पुणे के मयूर पाटिल ने वाहनों से कार्बन उत्सर्जन और ईंधन की खपत कम करने वाली तकनीक विकसित की, तकनीक का पेटेंट कराया और साथियों के साथ अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल के ग्रांट से स्टार्टअप और फैक्ट्री शुरू की। इसी तरह गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई बैंगनी क्रांति की सफल कहानी रचने वाले इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने अपना स्टार्टअप वेंचर शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ दी। देश के युवाओं के सामर्थ्य स्टार्टअप इंडिया के साथ केंद्र की निर्णायक सरकार के प्रयास से महज 9 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या 442 से बढ़कर 1,00,000 के ऊपर पहुंची, जिसमें करीब 9,00,000 रोजगार सृजित हुए। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक नए स्टार्टअप 20 समूह की शुरुआत भी की गई। यह समूह वैश्विक नेताओं के लिए एक एजेंडा तैयार कर रहा है जो स्टार्टअप क्रांति की लौ को जलाएगा। भारत के रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की वजह से देश में इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्टिंग माहौल तैयार हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है, दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। युवा शक्ति's ड्रीम्स डिसाइड India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. To be young is to be pragmatic. राष्ट्र की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की प्राथमिकता है। सेना और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया जा रहा है। भारत टैंक, विमान, वाहक पोत, पनडुब्बी सहित विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण कर रहा है। निर्यात 2014 में 900 करोड़ रुपए का था, जो अब 20,000 करोड़ रुपए हो गया। 21वीं सदी में युद्ध लड़ने के तौर तरीकों में जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों पर तकनीकी रूप से सक्षम सैनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तकनीक संपन्न और युवा सशस्त्र बल को नई अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी में लड़कियों की एंट्री को मजबूती देगी।
भारत का F-414 फाइटर जेट इंजन से सहज उत्पादन के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो समझौता हुआ है, उससे जेट इंजन निर्माण करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। सरकार सशस्त्र बलों को युवा और एक से अधिक तकनीकी जानकारी से युक्त करने के लिए कई कदम उठा रही है। अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेना में समय की जरूरत के अनुकूल तकनीक संपन्न युवा भर्ती हो रहे हैं। अग्निवीरों की भर्ती से कुछ वर्षों में सशस्त्र बलों में सेवा करने वालों की औसत आयु 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अग्निवीर योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। कौशल ही वह योग्यता है जो किसी भी व्यक्ति को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के समाधान करने के लिए सहज बनाता है। कौशल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कुछ नया हुनर सीखने को मिलता है जो आगे चलकर रोजगार का साधन बनता है। बिहार के पटना के रहने वाले सचिन ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर से सेल्स एसोसिएट की 90 दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब फेयर के माध्यम से नौकरी प्राप्त की। सचिन का कहना है कि यदि यह योजना न होती तो न ही मुफ्त में प्रशिक्षण मिल पाता और न ही नौकरी। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और आत्मनिर्भर भी हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि सचिन जैसे अनेकों युवा और युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण के बाद रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ऐसी अनेकों सफल कहानियां हैं जिसने न सिर्फ युवाओं बल्कि उसके परिवार को भी आर्थिक संबल दिया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय यानी MSME की ओर से देश भर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह अपनी तरह की एक ऐसी पहल है जिसने मौजूदा कुशल वर्ग को प्रमाणीकरण के साथ मान्यता दी और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने में भी मदद की है। स्कूल कॉलेज के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों के साथ साथ जो कामगार जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें उसी काम में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर प्रमाणीकरण किया जा रहा है। सरकार अब इसका दायरा न सिर्फ बढ़ा रही है बल्कि तकनीक के साथ भी जोड़ रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कौशल विकास और डिजिटल तकनीक को और बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। अमृत पीढ़ी या युवा शक्ति के साथ युवा केंद्रित बजट के रूप में जाने जाने वाले इस बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के शुभारंभ और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक एकीकृत कौशल विकास डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। निस्संदेह आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नज़र से देख रही है तो इसके पीछे हमारे युवा हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। भारत का लक्ष्य है कि इसे टॉप 3 पहुंचाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्रांति से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नए रास्ते खुलेंगे। आज के युवा इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं तो कल इसी ताकत से भविष्य का नेतृत्व करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियां किस प्रकार युवाओं को नए भारत का सारथी बनाने का काम कर रही हैं, इस बारे में हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपको जानकारी देंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIV India है। इसके अलावा आप हमें response-nis@piv.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।